हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट साइंस, ठीक है। और आज से हम लेसन टू डिस्कस कर रहे हैं, जिसका जो लेसन का नाम है वो मृदा से रिलेटेड है, ठीक है। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मृदा, मृदा क्या है और मृदा के टाइप कौन कौन से हैं, ठीक है। आज के इस वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है तो मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, आप वहां से जाकर देख सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले मृदा क्या होते हैं इसके बारे में हम जानते हैं। तो मृदा के ऊपरी सतह पृथ्वी के ऊपरी सतह पर मोटे, मध्यम और बारीक कार्बनिक और अकार्बनिक मिश्रित कणों को मृदा या मिट्टी कहा जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट यही क्लियर हो जाता है कि मृदा किसे कहते हैं। तो पृथ्वी के ऊपरी सतह पर मोटे, मध्यम और बारीक कार्बनिक और अकार्बनिक मिश्रित कणों को मृदा या मिट्टी कहते हैं। ऊपरी सतह पर से मिट्टी हटाने पर वरीयता यानी क्लस्टर शैल पाया जाता है। कभी कभी थोड़ी गहराई पर ही क्लस्टर मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद अब देखिए, यहाँ कह रहा है कि मृदा विज्ञान, यहाँ बाल विज्ञान नहीं रहेगा। मृदा विज्ञान भौतिक भूगोल की एक प्रमुख शाखा है, जिसमें मृदा के निर्माण, उसकी विशेषताओं और धरातल पर उसके वितरण का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। उसके बाद कह रहा है कि पृथ्वी की ऊपरी सतह के कणों को ही छोटे या बड़े मिट्टी कहा जाता है। तो सिंपल, आपको इसमें कुछ ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको जानना है कि मृदा क्या होता है, ठीक है। तो पृथ्वी के ऊपरी सतह पर मोटे, मध्यम और बारीक कार्बनिक और अकार्बनिक मिश्रित कणों को मृदा मिट्टी कहा जाता है। और ऊपरी सतह पर मिट्टी हटाने पर वरीयता यानी क्लस्टर शैल हमें प्राप्त होता है। अब देखिए, सर्वप्रथम 1879 ईस्वी में डोक शैव ने मिट्टी का वर्गीकरण किया था, ठीक है। तो जो आपके सर्वप्रथम जिसने मिट्टी का वर्गीकरण किया था वो कौन है, तो डोक शैव है। कब किया, तो 1879 ईस्वी में किया था। मिट्टी को सामान्य और असामान्य मिट्टी में विभाजित किया। भारत की मिट्टियाँ स्थूल रूप से 5 वर्गों में विभाजित की गई है। चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। तो सबसे फर्स्ट है जलोढ़ मिट्टी, या इसे कछार मिट्टी भी कहा जाता है। सेकेंड है काली मिट्टी या रेउर मिट्टी। थर्ड है लाल मिट्टी। फोर्थ है लैटराइट मिट्टी या लैटराइट, ठीक। और फोर्थ आपका फिफ्थ हो जाता है मेरू मिट्टी या रेगिस्तानी मिट्टी, ठीक है। तो बहुत ही ये महत्वपूर्ण है। अब देखिए, ये तो फाइव टाइप के हो जाते हैं, लेकिन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR ने भारत की मिट्टी को 8 समूहों में बांटा है। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही क्लियर कर लीजिए कि अगर प्रश्न पूछा जाए कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा भारत की मिट्टी को कितने समूहों में बांटा गया है, तो 8 समूहों में बांटा गया है, ठीक है। और जो फिफ्थ 5 समूहों में बांटा गया है वो किसके अनुसार बांटा गया है, तो डोक शैव ने मिट्टी का वर्गीकरण किया था। उन्होंने 1879 ईस्वी में भारत की मिट्टिया को स्थूल रूप से 5 वर्गों में विभाजित किया था, ठीक है। अब देखिए, 8 जो मिट्टिया का समूह है वो कौन कौन सी है। जलोढ़ मिट्टी इसमें भी आती है, काली मिट्टी इसमें भी आती है, लाल और पीली मिट्टी इसमें भी आती है, लैटराइट या लैटराइट मिट्टी इसमें भी आती है, सूखी मृदा या शुष्क मिट्टी, लवण मृदा या लवणीय मिट्टी, पिताम मृदा या पिटाय मिट्टी, जैव मृदा, जैविक मिट्टी, वन मृदा या वन मिट्टी। ये आपके 8 टाइप हो गए। अब देखिए, इसको हम विस्तार पूर्वक जानते हैं एक एक करके, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट जो है आपका है वो है जलोढ़ मिट्टी, या इसे जलोढ़ या जलोढ़, ठीक है, या दोमट मिट्टी भी कहा जाता है। जो क्षेत्र के दृष्टिकोण से भारत में सबसे अधिक जो पाया जाता है मिट्टी वो है जलोढ़ मिट्टी। तो प्रश्न यहाँ से ये आ सकता है कि भारत में सबसे अधिक पाई जाने वाली मिट्टी का नाम बताइए। तो क्षेत्र के दृष्टिकोण से भारत में सबसे अधिक जो पाई जाती है मिट्टी वो है जलोढ़ मिट्टी। भारत के कुल क्षेत्र का लगभग 40% भाग पर जो है वो जलोढ़ मिट्टी मिलती है। आप देख सकते हो, मतलब कुल 8 समूह है और उसमें से जो जलोढ़ मिट्टी है 40% इसका भाग है पूरे भारत देश में, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। उसके बाद जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की मात्रा कम होती है। ये पॉइंट्स क्लियर कर लीजिएगा, जो जलोढ़ मिट्टी होता है, ठीक है,
इसमें जो फास्फोरस नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है वो लो होती है, कम होती है। जलोढ़ मिट्टी की, देखिए इसमें फसल कौन सा होता है, तो जलोढ़ मिट्टी की जो जलोढ़ मिट्टी होता है इसमें गेहूं के फसल के लिए उत्तम माना जाता है। इसके अलावा धान और आलू की खेती भी की जाती है। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण जिसे बलुई मिट्टी और चिकनी मिट्टी से मिलने से होता है, ठीक है। तो चिकनी मिट्टी से जो बनता है वो जलोढ़ मिट्टी। अब यहाँ से आप देख सकते हो जलोढ़ मिट्टी में ही, यहाँ देखिए ये खादर यहाँ रहेगा और यहाँ बांगर रहेगा, ठीक है। यहाँ खादर कर लीजिएगा और यहाँ बांगर, ठीक है। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है जलोढ़ मिट्टी के जो प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं। तो टू टाइप से होते हैं, एक तो खादर होता है और दूसरा बांगर होता है। जो खादर मिट्टी होता है, जो खादर जलोढ़ मिट्टी होता है वो पुरानी मिट्टी होती है, जो खादर होता है वो नई मिट्टी होती है, और जो बांगर होती है वो प्राचीन मिट्टी होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्लियर कर लीजिए, एक का खादर होता है और दूसरा बांगर होता है। खादर क्या होता है, आपका नई मिट्टी है, और बांगर जो है वो पुरानी मिट्टी है, जिसे जलर पुरानी यहाँ वही लिखा है, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी का रंग जो होता है वो हल्का धूसर रंग का होता है। अब देखिए अगला है आपका काला मिट्टी। तो काला मिट्टी क्या होती है, या इसे काली मिट्टी भी कहते हैं। तो काली मिट्टी क्षेत्र के दृष्टिकोण से भारत में दूसरा स्थान रखता है, ठीक है। फर्स्ट पे जलोढ़ मिट्टी है, सेकंड पे आपकी काली मिट्टी है। भारत में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो भारत में सबसे ज़्यादा जो काली मिट्टी पाई जाती है वो महाराष्ट्र में, और दूसरा जो स्थान है वो गुजरात में पाई जाती है। तो यहाँ से 3 पॉइंट क्लियर होते हैं, जो काली मिट्टी का स्थान है वो भारत में दूसरे स्थान पे है, और सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है वो महाराष्ट्र में पाई जाती है, उसके बाद गुजरात प्रांत में पाई जाती है। काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी के उदागर के कारण बेसाल्ट के निर्माण के होने से हुआ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये भी प्रश्न आता है कि काली मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है, तो जो बेसाल्ट होता है उसके निर्माण से इसका काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, और बेसाल्ट के टूटने से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। दक्षिण भारत में काली मिट्टी को रिशूर या रिशूर कहा जाता है, केरल में काली मिट्टी को क्या बोला जाता है, साले कहा जाता है, और उत्तर भारत में काली मिट्टी को केवाल के नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी में भी नाइट्रोजन और फास्फोरस की जो मात्रा होती है कम होती है, जैसे कि जलोढ़ मिट्टी में हमने डिस्कस किया था उसमें भी जो नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा होती है कम होती है, और इसमें भी जो आपकी काली मिट्टी है उसमें भी कम होती है। इसमें देखिए लोहा, चूना, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम की मात्रा अधिक होती है, और काली मिट्टी में पोटास की मात्रा भी पर्याप्त होती है। काली मिट्टी की कपास के उत्पादन के लिए आप देख सकते हो उसमें धान गेहूँ था, ठीक है। लेकिन इसमें देखिए काली मिट्टी कपास के उत्पादन के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। इसके अलावा काली मिट्टी में चावल की खेती भी की जाती है, ठीक है। जैसे कि चावल की क्या खेती, मतलब धान की खेती की जाती है तभी तो चावल बनता है ना। उसके बाद काली मिट्टी में मसूर, चना, खेसारी, ये सब इसका अच्छी उपज होती है। तो सबसे जो उत्तम माना जाता है काली मिट्टी में वो आपका हो जाता है कपास की खेती, ठीक है। अगला जो है आपका है लाल मृदंग, यानी लाल मिट्टी। क्षेत्र की दृष्टि से भारत में लाल मिट्टी का तीसरा स्थान है। भारत ने 5.18 लाख वर्ग किलोमीटर जीरो पर लाल मिट्टी का विस्तार है। लाल मिट्टी में भी नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा कम होती है। लाल मिट्टी में मौजूद एयर ऑक्साइड जिसे Fe2O3 के कारण इसका रंग लाल दिखाई देता है। लाल मिट्टी फसल के उत्पादन के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। इसमें अधिक अनाज जैसे कि बाजरा, मूंगफली, अरहर, मकई इत्यादि होते हैं, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ डिस्कस करना नहीं है, जो लाल मिट्टी होता है उतना मतलब अच्छा नहीं माना जाता है, और इसमें जो खेती की जाती है इसमें बाजरा, मूँगफली, अरहर, मकई ये इसका की जाता है। अब देखिए अगला है आपका पीली मिट्टी। तो पीली मिट्टी, भारत में सबसे अधिक पीली मिट्टी केरल राज्य में पाया जाता है। जिस क्षेत्र में लाल मिट्टी होते हैं और उसे मिट्टी में अधिक वर्षा होती है, अधिक वर्षा के कारण लाल मिट्टी का जो रासायनिक तत्व अलग हो जाते हैं, जिससे उस मिट्टी का रंग जो होता है वो पीली मिट्टी जैसा दिखाई देता है। यह मिट्टी काजू फसल के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। तो आप देख सकते हो जो पीली मिट्टी है वो काजू फसल के लिए सबसे बेहतरीन माना जाता है। इसमें लौह ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। टेस्ट क्लियर। अब देखिए अगला जो आपका मिट्टी है वो है पर्वतीय मिट्टी।
ठीक है। अब देखिए, पर्वतीय मिट्टी में कंकड़ पत्थर की मात्रा अधिक होती है, नाम से ही पता चल रहा है पर्वतीय मिट्टी। तो पर्वतीय मिट्टी में पोटास, फॉस्फोरस और चूने की कमी होती है। पहाड़ी क्षेत्र में विशेष करके बागवानी कृषि होती है, पहाड़ी क्षेत्र में ही झूम की खेती होती है। झूम खेती सबसे ज़्यादा नागालैंड में की जाती है। अब पता नहीं झूम खेती क्या होती है, ठीक है, आप सभी को पता हो कि झूम क्या होता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए, ठीक है। तो झूम की खेती की जाती है और नागालैंड में की जाती है, और पर्वतीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा गर्म मसाले की खेती की जाती है। तो आप यहाँ देख सकते हो जो पर्वतीय मिट्टी होती है, इसमें आपको मेन पॉइंट यही याद रखना है कि ये जो मिट्टी होती है कंकड़ पत्थर, इसमें अधिक मात्रा पाया जाता है, इसमें भी फास्फोरस चूने और पोटास की कमी होती है, ठीक है। इसमें बागवानी की कृषि होती है, और सबसे मेन पॉइंट है कि ये सबसे ज़्यादा गर्म मसाले की खेती की जाती है। क्लियर हो गया। अब देखिए अगला जो है आपका वो है शुष्क और मरुस्थलीय मिट्टी, ठीक है। तो शुष्क और मरुस्थलीय मिट्टी में घनीकरण लवण और फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन और कार्बनिक तत्वों की मात्रा कम होती है। यह मिट्टी में तेलहन के उत्पादन के लिए अधिक उपयुक्त मानी जाती है। जल की व्यवस्था होने के बाद मरुस्थलीय मिट्टी में भी अच्छी फसल की उत्पादन होती है। इस मिट्टी में तिलहन के अलावा ज्वार, बाजरा और रागी की खेती होती है। यह सबसे कम उपजाऊ होता है, ठीक है। तो इसमें आपको मेन पॉइंट यही क्लियर करना है कि जो आपका ये शुष्क मिट्टी होता है, ये मरुस्थलीय मिट्टी में घनीकरण लवण और फास्फोरस की जो मात्रा होती है वो अधिक होती है, ठीक है। इस मिट्टी में भी नाइट्रोजन और कार्बनिक तत्वों की मात्रा कम होती है। यह मिट्टी तिलहन उत्पादन के लिए अधिक उपयुक्त, मतलब जो भी तेल जैसे तिलहन कहते हैं, इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है शुष्क और मरुस्थलीय मिट्टी। उसके बाद आपका है लवणीय मृदा या क्षारीय मृदा, ठीक है, मृदा हो जाता है। तो जो लवणीय मिट्टी को क्षारीय मिट्टी या रेह मिट्टी या उषर मिट्टी या कलर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पॉइंट आप इनका नाम याद कर लीजिएगा, जो लवणीय मिट्टी होता है इसको क्या क्या कहा जाता है। तो लवणीय मिट्टी को क्षारीय मिट्टी कहा जाता है, रेह मिट्टी कहा जाता है, उषर मिट्टी कहा जाता है, कलर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। क्षारीय मिट्टी उसी क्षेत्र में पाए जाते हैं जहाँ पर जल के निकास की सुविधा नहीं होती है। इसी क्षेत्र की मिट्टी में सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे वह मिट्टी क्षारीय हो जाती है। और क्षारीय मिट्टी का निर्माण समुद्र तट मैदान में अधिक होता है, इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। तो गाइज ये आपके कुल मिट्टी के प्रकार थे, और हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस भी कर लिया, बस पॉइंट टू पॉइंट आपको क्लियर करना है, ठीक है। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। आप अपना जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से करते रहिए। हम नेक्स्ट वीडियो में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे कि मृदा की संरचना कैसे होती है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके सिलेबस में है तो डिस्कस तो करना ही पड़ेगा। आज के इस वीडियो में हमने जाना मृदा क्या है। तो मृदा सिंपल लिख सकते हो कि पृथ्वी के ऊपरी सतह पर मोटे, मध्यम और बारीक कार्बनिक और अकार्बनिक मिश्रित कणों को मृदा मिट्टी कहते हैं। मृदा का जो वर्गीकरण किया था वो किसने किया था, तो वो 1879 ईस्वी में डोक शेव ने मिट्टी का वर्गीकरण किया था, जिसने मिट्टियों को 5 भागों में विभाजित किया था, जिसमें आपका आ जाता था जलोढ़ मिट्टी, जिसे कछार मिट्टी कहा जाता है, काली मिट्टी या रेउर मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटराइटो मिट्टी या लैटराइट मिट्टी और मरु मिट्टी, ठीक है। अब लेकिन उसके बाद भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR के द्वारा भारत की मिट्टी को 8 समूहों में बांट दिया गया। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, सूखी मृदा, लवण मृदा, ठीक है, आपका पिटाई या जैव मृदा मिट्टी, वन मृदा मिट्टी, ठीक है। हमने जाना कि जलोढ़ मिट्टी क्या है, जलोढ़ मिट्टी के 2 टाइप होते हैं, खादर और बांगर। खादर जो होता है वो नवीन मिट्टी होता है, बांगर जो होता है वो पुरानी मिट्टी होता है, ठीक है। और ये सब भारत में सबसे अधिक पाया जाता है, मतलब 40% जो होता है वो जलोढ़ मिट्टी में ही पाया जाता है। इसमें जो नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है, और जिस पे जो खेती होती है मिट्टी पे गेहूं की फसल, धान की फसल, आलू की फसल होती है। फिर आपका नेक्स्ट था काली मिट्टी। तो काली मिट्टी जो होती है ये महाराष्ट्र और दूसरे स्थान पर गुजरात में पाई जाती है, ठीक है। ये बेस्टॉल के टूटने से इसका निर्माण होता है काली मिट्टी का। अब देखिए यहाँ सबसे अधिक क्या बोया जाता है, तो इसे मतलब ये छोड़िए, यहाँ पे आपका जो काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन सबसे बेहतर माना जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका तीसरा जो था वो था लाल मिट्टी, ये इतना उपयुक्त मिट्टी नहीं माना जाता है, इसमें जो अनाज, बाजरा, मूंगफली की होती है, ठीक है। पीली मिट्टी में आपका जो होता है वो यहाँ पे जो फसल बोई जाती है वो काजू की फसल होती है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो गाइज आज के लिए इतना ही, आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।